नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी। ये मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्लाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो कितनी काम आती है। ऐसे ही घी, जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्ट हैं। कई बार लोग कहते हैं कि घी खाना अच्छा है, आप कहते हैं घी खाना अच्छा नहीं है। कोई कहता है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोई कहते हैं कि घी खाने से जो है वो डाइजेशन खराब हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो आइए मैं आज आपको अपने इस वीडियो से आपके अंदर जो मिथक हैं घी से संबंधित, मैं उसको तोड़ने का प्रयास करूँगा। घी कहते हैं कि जिंदगी के लिए, जिंदगी में स्नेह बहुत आवश्यक है। यदि आपके जीवन में स्नेह नहीं है, यानी आपके जीवन में यदि रुक्षता है, रुखापन है, तो आपका जीवन बेकार है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में स्नेह यानी घी का भी बहुत महत्व है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें जो घी के बारे में हमारे मिसकॉन्सेप्ट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छी सेहत के लिए घी का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। खासकर आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में वात बढ़ता है। बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वात की सामान्य रूप से बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जोड़ों में दर्द होता है, गठिया जैसी समस्याएं होती हैं, जोड़ घिस जाते हैं। ऐसी स्थिति में घी का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। इतना ही नहीं, घी हमारी भूख को बढ़ाता है। घी हमें आभ्यंतर रूप से लुब्रिकेट करता है, स्नेहन देता है। इसके अलावा यदि आप घी देखें तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही आवश्यक है। यदि ये कहें कि यदि आप अपने जीवन में कुछ और करें या न करें, लेकिन घी का सेवन जरूर करें, मैं यही कहूँगा कि घी आपको जीवन देता है। हाँ, घी बहुत सारे हैं, इनमें गाय का घी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मैं ये कहूँगा कि घी यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप गाय के घी का प्रयोग करें। घी का सेवन हमारे दोनों ही शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हाँ, मैं आज आपको घी के सही तरीके से सेवन के बारे में बातें बताऊंगा। सभी प्रकार के घी में आप सब जानते हैं कि गाय का घी, जैसा मैंने बताया, सबसे अच्छा है। घी के अगर हम गुणों को देखें तो हम सब जानते हैं कि घी एक चिकनाई युक्त, एक शीतवीर्य द्रव्य। शीतवीर्य का अर्थ ये होता है कि इसकी तासीर ठंडी है। ये हमारी बुद्धि, हमारी जो धातुओं का पोषण, हमारे बल, हमारे शुक्र, हमारे जो हमारे शरीर में जो ओज है, इस सब की वृद्धि करने में घी बहुत श्रेष्ठ काम करता है। घी एक अच्छा रसायन है और हम ये कह सकते हैं कि घी हमारे हृदय को भी, हमारी हृदय जो निरंतर स्पंदन करता रहता है, उसको लुब्रिकेट करने में भी घी का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है। बुढ़ापे में घी काफी फायदेमंद होता है। घी के कई प्रकार हैं, आप सब जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम ये जाने तो सबसे जो बेहतर घी है वो गाय का घी है, और घी को आप सालों तक संरक्षित कर सकते हैं। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। यहाँ तक कि आयुर्वेद में पुराण और प्रपुराण घी, यानी कि पुराने से पुराने घी के बारे में बात की गई है। 100 साल से भी अधिक जो पुराना घी है उसे कुंभकृत कहते हैं, और 100 साल से बाद भी जो पुराना घी है उसे महाकृत कहा गया है, यानी उसे बहुत बढ़िया माना जाता है। अब बताइए, इतनी अच्छी चीज़ जिससे आपको कोई भी जो है एक्सपायरी नहीं है, बनाइए, रखिए और प्रयोग करिए। पुराने घी को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। कहते हैं कि ये मानसिक रोगों में बड़ा काम करता है। पुराण घृत के लिए उन्माद और अपस्मार जैसे रोगियों में इसे बहुत लाभकारी माना गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जनरली आपने देखा होगा कि गाय का या भैंस का घी बाजार में मिलता है, और इसके अलग अलग अपने महत्व हैं। आप जाने तो इसके अलग अलग महत्व हैं, लेकिन आप इतना ज़रूर जाने कि घी जो है वो गाय का ही बेस्ट होता है, बेहतर होता है। इसके अलावा घी कब, कैसा घी ना खाएं, बहुत लोगों के मन में सवाल होते हैं कि कैसा घी ना खाएं।
तो कांसे के बर्तन में यदि 10 दिन या इससे ज्यादा समय तक अगर आपने घी रखा है तो आप उसे ना खाएं, क्योंकि ये विषैला हो जाता है। और अगर घी में किसी तरह की दुर्गंध आ रही हो तो भी उस घी का सेवन ना करें। घी के क्या क्या फायदे हैं, घी के फायदे क्या हैं बच्चों में? बच्चों में ये बहुत बढ़िया होता है, बहुत फायदेमंद होता है। शरीर को ये ताकत देता है, बल देता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम आज इम्यूनिटी के बहुत पाते करते हैं, ऐसे में घी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसमें कई तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। और कुछ और हम इसके फायदे जानते हैं, आपको बताते हैं। यदि आप मानसिक रोगी हैं, यदि आपके आसपास कोई मानसिक रोगी है तो उसके लिए भी घी बहुत फायदेमंद होता है। घी कई मानसिक रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है, ये गुणकारी होता है। और इसका सेवन करने से पहले लेकिन आप जरूर ध्यान रखें, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक का आप जरूर आप जो है वो दिशा निर्देशन ले। बुखार में भी इसे फायदेमंद माना गया है, बुखार में घी का सेवन इंडिकेटेड है, लेकिन चिकित्सक की सलाह और परामर्श। इसके अलावा वात की बहुत सारी बीमारियां, जिनमें गठिया है, जिनमें संधिवात है, आप इनमें भी घी बहुत फायदेमंद होता है। किसी चिकित्सक के निर्देशन में घी का प्रयोग कराना बहुत लाभकारी होता है। वात के प्रकोप के लिए ये बेहतरीन हम कह सकते हैं कि औषधि। पाचन के लिए भी बहुत 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 फायदेमंद है। अगर हमें कहें कि यदि किसी की पाचन शक्ति कमजोर है तो आप जानते हैं कि कई तरह की बीमारियां को एक प्रकार से न्योता मिल जाता है। ऐसी स्थिति में घी का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा यदि आप देखें तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी घी जरूर लेना चाहिए, उनको लेना चाहिए, क्योंकि घी के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। मैंने आपको कुछ फायदे यहाँ बताए। यदि कमजोरी है, किसी को कमजोरी है, वीकनेस है, तो आप वहाँ पर कमजोर लोगों को भी घी खाने की सलाह हम लोग देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें भी घी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। शिशुओं के आहार में विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक आपको विकास को ठीक करने के लिए घी का सेवन करना चाहिए। खांसी में भी घी बहुत लाभकारी है, और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के द्वारा खांसी होने पर कई बार घी का सेवन इंडिकेट करा जाता है। और आज भी आप खांसी जैसी स्थितियों में सिंपल घी का प्रयोग, गोघृत का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्राणु की अल्पता, कई लोगों को जो है वो शुक्राणु की बहुत कमी होती है, जिसके कारण वो अपनी संतान को पैदा नहीं कर पाते। ऐसे में या कई बार शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी होती है, ऐसे में भी घी काफ़ी लाभ देता है और इसका प्रभाव सेहत पर बहुत अच्छा पड़ता है। शुक्राणुओं की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी घी का बेहतरीन प्रयोग है। बहुत सारे रोगियों में घी के हम प्रयोग कराते हैं, जिनमें घी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं करते, आप प्राचीन काल से ही घी का प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं, बहुत आयत से करते आ रहे हैं। बस हम ये कहें कि घी का सेवन किसी भी औषधि के साथ आप मिलाकर कर सकते हैं, घी से आप मालिश कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि आप अपने घी के दो बूंदे नश्य लेते हैं तो ये घी आपको विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचा सकता है। नाक में घी डालना बहुत ही लाभकारी है, तो ये क्यों ना कहें कि दो बूंद घी आपकी जिंदगी को दे सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि घी, आपकी घी की दो बूंद आपके जीवन के लिए बहुत 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 फायदेमंद है। तो आप, मैं कहता हूँ कि आप कुछ करें या ना करें, पर अपने घर में घी जरूर रखें और गाय का घी रखें। क्यों? क्योंकि न तो इसकी एक्सपायरी है और न तो इसका कोई नुकसान है, तो क्यों नहीं सेवन करें घी और आने वाली पीढ़ी को तमाम सारी व्याधियों से बचाएं। घी, मैं ये कह सकता हूँ कि हमेशा ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में सेवन करना किसी भी चीज़ के लिए फायदेमंद नहीं है, तो वो घी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। घी का भी सेवन हमेशा जो है वो एक नॉर्मल मात्रा में ही करना चाहिए। और किसी भी बीमारी में घी का आप घरेलू इलाज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। यदि आप इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ डिस्प्ले हो रहे नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आप हमारे इस आयुर्लाइन नाम के डॉक्टर नवीन जोशी के यूट्यूब चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक घंटा जो ऊपर दिया है उस घंटे को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। मेरे इस चैनल में मैं आपको बहुत साधारण साधारण चीज़ें जो आम जनमानस के लिए फ़ायदेमंद है वो मैं बताऊँगा और आपके अंदर दिमाग में बैठा हुआ मिसकॉन्सेप्ट दूर करूँगा। तो आपका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।